हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम व्यू ओरिएंटेशन सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक 3D मॉडल बना लेते हैं, उसमें व्यू ओरिएंटेशन देखेंगे। तो हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केच। यहाँ पे एक स्लॉटेड प्लेट दिया गया है, जिसमें कि सारे डायमेंशन mm में है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। 100 बाय 100 का एक स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, जिसका कि डायमेंशन 100 mm। एंटर बाय 100 mm। एंटर। यहाँ पे दो स्लॉट दिया गया है, जिसका कि हाइट 70 mm है और विड्थ 20 mm है, और इन दोनों के बीच का गैप 15 mm है। तो हम स्लॉट कमांड की मदद से एक स्ट्रेट स्लॉट ड्रॉ कर लेंगे, जिसका कि डायमेंशन शिफ्ट के साथ इस पॉइंट और इस पॉइंट का 70 mm। एंटर। का विड्थ 20 mm। एंटर। इन दोनों के बीच का गैप 15 mm। एंटर। इस पॉइंट और शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को मेक हॉरिजेंटल। एक सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए, जिसका मिरर एंटिटीज सेलेक्ट कीजिए स्लॉट और मिरर अबाउट दिस लाइन। ओके। इसके चारों कॉर्नर पे फ्लिट लगा हुआ है, जिसका कि रेडियस 20 mm है। तो हम फ्लिट कमांड की मदद से चारों कॉर्नर पे फ्लिट लगाएंगे, जिसका कि रेडियस 20 mm। ओके। अब हम फीचर टूल्स लगाएंगे, तो फीचर्स पे क्लिक करें, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करें और 10 mm। ओके। तो देखिए, आपका सॉर्टेड प्लेट बन के तैयार हो गया। अब हम व्यू ओरिएंटेशन सीखेंगे। यहाँ पे व्यू ओरिएंटेशन का आइकन दिया गया है, इस पे क्लिक करें। फ्रंट व्यू। यह है बैक व्यू। यह है टॉप व्यू और यह बॉटम व्यू। यह लेफ्ट साइड व्यू और यह राइट साइड व्यू। और यहाँ पे आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ये ट्राइमेट्रिक। और जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यू है, वो है नॉर्मल व्यू। दोस्तों, आपका पार्ट कोई भी एंगल या कोई भी पोजीशन पे हो और आप कोई एक स्पेसिफिक फेस को नॉर्मल करना चाहते हैं, तो आप उस फेस पे क्लिक करें और नॉर्मल पे क्लिक करें। जैसे हम इस फेस को नॉर्मल करना चाहते हैं, तो इस फेस पे क्लिक करेंगे और नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, ये फेस नॉर्मल व्यू में आ गया। उसी तरह, अगर हम इस फेस को नॉर्मल व्यू में लाना चाहते हैं, तो इस फेस पे क्लिक करेंगे और नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल व्यू आ गया। अब हम यहाँ पे चाहे तो स्केच कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू का आइकन अगर आपने ऐड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रखा है तो बहुत आसान है।
नॉर्मल व्यू का आइकन ऐड करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करें और कस्टमाइज में क्लिक करें। यहाँ पे शॉर्टकट बार में क्लिक करें और टूल बार में एक्सपेंड कीजिए और स्टैंडर्ड व्यूज पे क्लिक करें। यहाँ पे नॉर्मल व्यू का आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करें और ड्रैग कीजिए। आप जहाँ पे ड्रॉप करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक किए रहें। तो देखिए ये आपका नॉर्मल व्यू का आइकन आ गया। व्यू ओरिएंटेशन के लिए शॉर्टकट की भी होता है, जैसे कि फ्रंट व्यू के लिए कंट्रोल प्लस वन प्रेस करें, बैक व्यू के लिए कंट्रोल प्लस टू प्रेस करें, लेफ्ट साइड व्यू के लिए कंट्रोल प्लस थ्री प्रेस करें, राइट साइड व्यू के लिए कंट्रोल प्लस फोर शिफ्ट प्रेस करें, टॉप व्यू के लिए कंट्रोल प्लस फाइव प्रेस करें, बॉटम व्यू के लिए कंट्रोल प्लस सिक्स प्रेस करें, आइसोमेट्रिक व्यू के लिए कंट्रोल प्लस सेवन प्रेस करें और नॉर्मल व्यू के लिए कंट्रोल प्लस एट प्रेस करें। व्यू ओरिएंटेशन में फ्रंट व्यू के लिए कंट्रोल प्लस वन प्रेस करें, बैक व्यू के लिए कंट्रोल प्लस टू प्रेस करें, लेफ्ट साइड व्यू के लिए कंट्रोल प्लस थ्री प्रेस करें, राइट साइड व्यू के लिए कंट्रोल प्लस फोर प्रेस करें, टॉप व्यू के लिए कंट्रोल प्लस फाइव प्रेस करें, बॉटम व्यू के लिए कंट्रोल प्लस सिक्स प्रेस करें, आइसोमेट्रिक व्यू के लिए कंट्रोल प्लस सेवन प्रेस करें और नॉर्मल व्यू के लिए कंट्रोल प्लस एट प्रेस करें। ये सारे शॉर्टकट की हैं और बहुत यूजफुल टूल है, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत आसान है। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।